आज हम आपके लिए लेकर आए स्वादिष्ट मसालेदार मूंग दाल खिचड़ी, जो सभी की फेवरेट होती है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, बेस्ट कुक विद आहित में आपका स्वागत है। जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैस पर एक कुकर रख देंगे, उसमें डालेंगे हम 50 ग्राम ऑयल और फिर इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून हम ज़ीरा डालेंगे। खिचड़ी थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बनाएंगे हम। यहाँ पर डालेंगे 15 से 20 कलियाँ लहसुन की, जो हमने इसे बारीक बारीक चॉप कर लिया। आप चाहते हो तो आप इसे जो है पीसा हुआ लहसुन अदरक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खिचड़ी में इस तरीके का जो लहसुन है उसका बहुत ही ज़्यादा स्वाद आता है। आप यहाँ पर लेंगे गरम मसाले, यहाँ पर कलमी के 3-4 टुकड़े लेंगे, 8-10 काली मिर्च लेंगे, 5-6 लौंग लेंगे और फिर इसमें एक तेज पत्ता डालेंगे। आप इसे पीस कर भी डाल सकते हैं, लेकिन खड़े मसाले से ज़्यादा स्वाद आएंगे। इसमें हम 2 मीडियम साइज़ की चॉप की हुई अनियन डालेंगे, हमने पहले ही चॉपिंग करके रखी थी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, लेकिन लहसुन को पहले हमें लाल होने देना है, यानी ब्राउन होने देना है, उसके बाद ही अनियन डालना है। इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, जिससे कि खुशबू और स्वाद खिचड़ी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करते रहेंगे ताकि थोड़ी सी ब्राउन हो जाए। इस टाइम पर हम क्या करेंगे, 1 टीस्पून ग्रेटेड जिंजर लेंगे, यानी हम जो ग्रेट किया हुआ अदरक होता है ना, उसे हमने एक ग्रेटर से ग्रेट कर लिया और फिर हम इसमें यूज़ करेंगे। पीसा हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ताज़ा और ग्रेटर से ग्रेट किए हुए से बहुत ज़्यादा खुशबू और टेस्ट अच्छा आता है। अब यहाँ पर मीडियम साइज़ के 3 टमाटर और स्वाद अनुसार हम इसमें हरी मिर्च लेंगे, यानी तीखा आपको जितना पसंद हो आप उस हिसाब से हरी मिर्च इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसे स्लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे, ताकि जो टमाटर है वो अच्छी तरीके से गल जाए। अब एक साइड में हम क्या करेंगे, राइस लेंगे, तो हम जो बारीक वाले राइस होते हैं ना, जो हम डेली यूज़ करते हैं, तो वही लेंगे। 2 कप हम राइस लेंगे तो 1 कप इसमें हम मूंग की दाल लेंगे। अब दाल आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर रेशो ये रहेगा तो जो खिचड़ी है बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनकर रेडी होंगी और प्रोटीन से भरपूर बनकर रेडी होंगी। अब इसे अच्छे तरीके से वॉश कर देंगे और वॉश करने के बाद में पानी निकाल के साइड में रख देंगे। और यहाँ पर जो टमाटर है वो भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब इसमें सारे स्पाइसेस डालेंगे, इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून आपको जितनी पसंद हो। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भरकर हम हल्दी पाउडर, जो हल्दी पाउडर हम इसलिए डालेंगे कि एंटी बैक्टीरिया भी रहती है हल्दी पाउडर, और इस खिचड़ी जो दिख रही है ना उसे कहीं ज़्यादा बनकर रेडी होती है, तो हल्दी पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर होममेड, 1 टेबल स्पून भर के जो धनिया पाउडर होता है ना, तो वो डालेंगे। फिर नमक डालेंगे, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब 1 कप भर के हम क्या करेंगे, फ्रोज़न बटर लेंगे, टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास में हो तो इस्तेमाल कर सकते, वरना स्किप भी कर सकते। अगर आपके पास घर के उबले हुए मटर हो तो भी चलेंगे, ये हमने फ्रोज़न यूज़ किए हैं। और फिर अब इसी में हम क्या करेंगे, जो दाल और चावल को हमने वॉश करके रखा है ना, वो हम डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये मिक्स करना इसलिए है कि ताकि जो खिचड़ी बहुत सौंधी और बहुत ही अच्छी बनती है, अगर इसे हम इस तरीके से थोड़ा पकने देते हैं तो इसलिए हम इसे थोड़ा सा पकने देंगे, सारे मसाले से मिलने देंगे। अब इसमें हम वाटर डालेंगे, तो हर किसी के जो चावल होते हैं उसका जो वाटर कंटेंट अलग होता है, तो आपके हिसाब से वाटर डाल सकते हैं। आपको थोड़ी पतली खिचड़ी चाहिए तो आप वाटर थोड़ा ज़्यादा यूज़ करें, आपको थोड़ी खिली खिली खिचड़ी चाहिए तो आप वाटर थोड़ा कम यूज़ करें। हमारे यहाँ ज़्यादा पतली पसंद नहीं किया जाती, थोड़ी खिली खिली पसंद की जाती है, तो हम थोड़ा सा वाटर कम यूज़ करेंगे। जैसे कि पुलाव, तहरी, बिरयानी होती है ना, उस हिसाब से ही हम खिचड़ी खाना पसंद करते हैं। अब इसमें खूब सारा धनिया डालेंगे, जिससे कि और इस खिचड़ी में स्वाद बढ़ जाए। अब क्या करेंगे, इस टाइम पे हम थोड़ा सा नमक चेक करेंगे और नमक डालेंगे। अगर थोड़ा सा कम नमक हो तो इसमें हम नमक इस टाइम पे मिक्स कर सकते हैं। अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद में फिर हम इसे क्या करेंगे, जो कुकर का ढक्कन होता है ना, तो हम लगा देंगे और फिर इसे 3 से 4 सीटी आने देंगे। तो देखिए गाइस, 3 से 4 सीटी आ चुकी थी और खिचड़ी कितनी बढ़िया बनकर रेडी हुई थी। अगर आपको इसका टेक्सचर थोड़ा पतला चाहिए तो आप इस टाइम पे क्या कर सकते, थोड़ा सा पानी गर्म करेंगे और गर्म पानी इसे मिक्स करके पकने देंगे। बिल्कुल भी ठंडा पानी ना डालें, वरना जो राइस है ऊपर तैरते हैं और जो पानी है तो वो अलग हो जाएगा और राइस अलग हो जाएंगे। तो इसलिए इस टाइम पर इस तरीके से गर्म पानी करेंगे एकदम बॉयल और डालेंगे, अगर आपको पतली चाहिए तो। अगर पतली नहीं चाहिए तो फिर हम इसे इसी तरीके से रहने देंगे, तो हमें पतली नहीं चाहिए तो इसलिए हम वाटर नहीं डालेंगे, सिर्फ आपको दिखाने के लिए हम बता रहे थे। अब एक सर्विंग डिश लेंगे और इसमें
सर्व करेंगे। तो लीजिए गाइज, अचार के साथ में खिचड़ी रेडी है। तो आई होप गाइज आपको ये सुपर डिलीशियस खिचड़ी की रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो ना, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। साइड में जो बेल बटन आता है ना, उसको ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो वॉच करने के लिए शुक्रिया गाइस। तो चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट रेसिपी मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।